किपर आम अपडेट करवा HRMS पोर्टल रे निज निजर प्रोफाइल को कंप्लीट करने प्रथम आप गूगल को जाकि HRMS टाइप करूँ जहाद्वारा कि आपको प्रथम जहाँ देखा apps.hrmsodisha.government.in सेटारे क्लिक करूँ आपण मैंने ताले आपण को एही प्रकार इंटरफेस देखा जिबो देखंतु एटी लिखा जाय छी प्लीज अपडेट योर HRMS प्रोफाइल बिफोर 15th January 2024। तो आपण माने एटी थिबा क्लिक ऑन द लिंक फॉर डिटेल्स ऊपर क्लिक करी की डिटेल्स पाई परबे। तापर आपण माने एटी जो लॉगिन अछि सेटारे आपणकर यूजर आईडी पासवर्ड एंटर करबे। तापरे आपणकर पासवर्ड एंटर करिबे। तापरे एठी दिया जायथिबा कैप्चा कोड को एंटर करिबे सिक्योरिटी कोड। सिक्योरिटी कोड एंटर करला परे आपण माने लॉगिन करिबे। ताले आपणकर प्रोफाइल एही प्रकार ओपन है कि आसीबो। एटार आपण माने संपूर्ण आपणमानकर प्रोफाइल देखि पार्थिबे किंतु देखंतु आमे होची प्रोफाइल अपडेट करिबाक पड़िबो। तापे आपण माने कौन करिबे एटी देखंतु दिया जायची साइड रे राइट साइड रे माय प्रोफाइल अछि। एही माय प्रोफाइल ऊपर आपण माने क्लिक करिवे। दर्शक बंधु आउ गोटे कथा भी आमे कहूँ जे जदि आपण माने लॉगिन करि पारनांती कोनो से असुविधा होची बा आपणकर एम्प्लॉय आईडी एवं पासवर्ड जानि नांती किपरि आपण माने HRMS आईडी पासवर्ड पाइबे किपरि लॉगिन करिवे तापई आम चैनल रे अन्य वीडियो उपलब्ध अछि। एही वीडियो को जाइकी आपण माने देखि पारिबे सेठारु। वर्तमान आमे देखिबा किपरि एठी आमे माय प्रोफाइल को जिबा सेठारे क्लिक करिबा ताहले आपण माने देखि पारथिबे आपणकर कंप्लीट प्रोफाइल एटे आसेछि। एठारे कोन कोन रहिछि आमे देखिबा देखंतु प्रथमे रहिछि फर्स्ट पेज जोटा कि आपणकर सर्विस बुक रो फर्स्ट पेज। तापर रही आपणकर पर्सनल इनफर्मेशन रही तो आप पर्सनल इनफर्मेशन देखिपारे। तापर रही आपणकर लैंग्वेज आपण लैंग्वेज देखिपारे। आइडेंटिटी रही आइडेंटिटी देखिपारे। एड्रेस रही एड्रेस देखिपारे। सहीपरी फैमिली अच्छी फैमिली देखिपारे। एजुकेशन अच्छी एजुकेशन देखिपारे। पोस्टिंग अच्छी पोस्टिंग देखिपारे। तापर आपणकर प्रोफाइल एक्नॉलेजमेंट अच्छी। सो प्रथमे आपण कौन करिवे एगुडिको व्यू माने आपण मान देखिबा पय एटी दिया जायछि ए सबु गुडिको आपण माने अपडेट करिवा पडिबो। तो किपरि अपडेट करिवा देखंतु एटी दियाछि फर्स्ट पेज जोटा कि सर्विस बुक रो आपणकर फर्स्ट पेज। जदि एटा ठीक अछि कोन से आपण आवश्यक नाही मैक्सिमम लोकर एटा 90% ठीक ही रहइबो जेहेतु ऑफिशियली एटे अपलोड करा जायछि। जदि आपण भबचंती एथिरे कंप्लीट हैनी बा ठीक रे हैनी ताहले आपण मान देखंतु एठी एडिट बटन अछि। एडिट बटन ऊपर क्लिक करिवे। एडिट बटन ऊपर क्लिक करला परे आपण को फर्स्ट पेज अपलोड करबाक पड़िबो। ताहले आपण को एही प्रकार इनफॉरमेशन देखा जिवो। एडा रहिछि फर्स्ट पेज विषय रे। तापर आसीबा मे पर्सनल इनफॉरमेशन देखंतु पर्सनल इनफॉरमेशन रे आपणकर फोटो सहित एम्प्लॉय आईडी सहित आपण को एठी देखा जाउची जीपीएफ नंबर जीएएस टाइप डेट ऑफ बर्थ। तापर आपण को डेट ऑफ सुपरन्यूशन में रिटायरमेंट डेट जॉइनिंग डेट बैंक नेम ब्रांच नेम ता सहित आपण को जेंडर मैरिटल स्टेटस कैटेगरी पोस्ट ब्लड ग्रुप
होम टाउन तापरे नेशनलिटी एंड पर्सनल आइडेंटिफिकेशन मार्क अच्छी जदि एही इनफॉरमेशन रे जदि आपण भावुचंती कौनसी इनफॉरमेशन आपणकर भूल अच्छी ताहले आपण माने एठारे एडिट बटन ऊपर क्लिक करिवे। एडिट बटन ऊपर क्लिक करला पर देखंतु आपण को एठी एम्प्लॉयज फुल नेम एगुड़ी को आपण चेंज करि पारबे नाही जोटा कि आपणकर नाम आईडी नंबर जाको चेंज करि पारबे नाही किंतु अन्य सब गुड़ी को आपण माने चेंज करि पारबे। केतेक इनफॉरमेशन एटा चेंज हबनी जोटा कि डेट ऑफ बर्थ हो नेम हो किंतु अन्य गुड़ी को आपण माने चेंज करि पारबे। जेंडर अच्छी मैरिटल स्टेटस अच्छी कैटेगरी अच्छी पोस्ट अच्छी कैडर जदि आपण माने चेंज करिवा पय चाहौचंती कैडर ताले यस ऊपर क्लिक करके चेंज करबे। हाइट बैक ग्रुप सब एगुडी को आपण माने चेंज करि परिबे। चाहिले एठी आपण माने ईमेल भी दे परिबे। सही प्रकार एठी अपलोड प्रोफाइल फोटो अच्छी आपण माने प्रोफाइल फोटो को अपलोड करि परिबे। तो आमे जदि देखिबा एठी आमे गोटे अपडेट करके देखिबा आपण एठारे जहा जहा चेंज आवश्यक अपडेट करला परे देखंतु प्रोफाइल फोटो को किपर आमे अपडेट करिबा। जदि प्रोफाइल फोटो आपणकर पुरणा हो जाइए आप अपलोड करने को पड़ो आपण अपलोड उपर क्लिक करेंगे चूज फाइल उपर क्लिक करेंगे तापर आपण मैंने जोठारे आपणकर फोटो रखुंस को चूज करेंगे। आप फाइल चूज कलापर अपलोड उपर क्लिक करेंगे। आपणकर ये प्रोफाइल फोटो चेंज हो जाइए। सही प्रकार आप जहाँ इनफॉरमेशन दरकार सेव कलापर आप सेव बटन उपर क्लिक करेंगे ताहले आपणकर इनफॉरमेशन एठारे सेव हो प्रकार आपण माने करिपारिबे। तापर आसीबो आपण माने देखंतु लैंग्वेज लैंग्वेज रे आपणकर केते प्रकार अछि देखिबा देखंतु एठी लैंग्वेज अच्छी आपणकर जेउ जेउ लैंग्वेज जाको लेखि पारचंती रीड राइट स्पीक मदर टंग अच्छी आपण माने एठी देइ पारिबे जहाँ अच्छी रीड राइट ठीक अच्छी। जदि आपण चाहौचंती एठारे एडिट करिबा पय चाहौचंती साइड थिबा एडिट बटन उपर क्लिक करिबे। जदि नाही आपण नुवा लैंग्वेज को एंटर करिबा पय चाहौचंती जोटा कि आपण माने जानिचंती से लैंग्वेज के ऐड करिबा पय ऐड बटन उपर क्लिक करिबे ताहले आपण को एई प्रकार लैंग्वेज आसीबो। आपण एठार थिबा लैंग्वेज रो सेलेक्ट करि परिबे जे कोनसी भाषा को ऐड करिबा पय तो आमे चाहनु एठी ऐड करिबा पय ताहले एठी आमे करिबे। आपणकर सबु सरला पर आपण माने सेव बटन उपर क्लिक कर देबे। तापर आपण देखंतु आइडेंटिटी अच्छी एठी आइडेंटिटी रे आपणकर वोटर आईडी कार्ड अच्छी पैन अच्छी आधार अच्छी एजा व्यतीत आपण जदि नुवा कोनसी आईडी कार्ड ऐड करिबा पय चाहचंती ताहले एठी ऐड न्यू उपर क्लिक करके चूज करिबे। जदि आपणकर दिया जायथिबा आईडी कार्ड रो कोनसी चेंज दरकार हो एपर साइड राइट साइड जो एडिट अच्छी सेटारे आपण एडिट करले आपणकर ये पुरडा कार्ड जदि चेंज हेछि ताले ठारे आपण माने चेंज करि परिबे। सेही प्रकार आपण माने आइडेंटिटी कार्ड उपरे एडिशन करि परिबे बा आपण माने थिबाटाकु एडिट करि परिबे। तापर आसीबा आमे नेक्स्ट होछि एड्रेस देखंतु परमानेंट एड्रेस दिया जायछि एठी फिलअप पेज के ऑलरेडी अच्छी। जदि एथिरे कोनसी भूल अच्छी भावुचंती ताहले आपण माने
କରିପାରିବେ। ତାପରେ ଆପଣମାନେ ଏଠାରେ ସେଭ୍ ବଟନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଯଦି କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ କ୍ୟାନସେଲ୍ ମାରିକି ବ୍ୟାକ୍ ଯାଇପାରିବେ। ତାପରେ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ଫ୍ୟାମିଲି ଡିଟେଲ୍ସ। ଫ୍ୟାମିଲିରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ୱାଇଫ୍ ହଜବେଣ୍ଡର ଦେଇପାରିବେ, ଅନ୍ୟ ଫାଦର ମଦରରେ ବି ଦେଇପାରିବେ, ଯାହା ଆବଶ୍ୟକ ସେମାନଙ୍କର ଡିଟେଲ୍ସ ଆପଣମାନେ ଏଠାରେ ଦେଇପାରିବେ। ଯଦି ଏଠାରେ ନୂଆରେ କୌଣସି ଆଡ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଏଠାରେ ଆଡ୍ ନ୍ୟୁ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଆପଣମାନେ ଦେଇପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଡ୍ ନ୍ୟୁ ଉପରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ ରିଲେସନ୍ ଟାଇପ୍ ଲେଖାହେଇଛି, ନେମ୍ ନମିନେସନ୍ ଫର୍ ଜିପିଏଫ୍, ଜିପିଏଫ୍ ପାଇଁ କାହାକୁ ନମିନେସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେଇ ଯଦି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏଠାରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ମାନେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଆପଣମାନେ ଜିପିଏଫ୍ ପାଇଁ ନମିନି ରଖୁଛନ୍ତି ତାର ଅର୍ଥ। ନମିନେସନ୍ ଫର୍ ପେମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ସିଭିପି ଡିସିଆର୍ଜି ଏଣ୍ଡ ଏଲ୍ଟିଏ, ଯଦି ଏହି ମ୍ୟାଟର ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ନମିନି ଅଲଗା ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସେଟାକୁ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ତାପରେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆଇଡେଣ୍ଟି ନମ୍ବର, ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବର୍ଥ, ଜେଣ୍ଡର, ମ୍ୟାରିଟାଲ ଷ୍ଟାଟସ୍, ତାପରେ ସେମାନେ ବଞ୍ଚି ରହିଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ, ଗାର୍ଡିଆନ୍ ନାହିଁ, ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ୟାପ୍ଡ କି, ଏହି ସବୁ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଆପଣମାନେ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ନେମ୍, ସେମାନଙ୍କର ବ୍ରାଞ୍ଚ ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର, ସେମାନେ ସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣମାନେ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯଦି ଆପଣମାନେ ନୋମିନି ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଆପଣମାନେ ନୋମିନି ଗୋଟେ ସିଲେକ୍ଟ କରିକି ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିକି ସେଭ୍ ବଟନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ସେହି ପ୍ରକାର ଆପଣ ଦୁଇଟି ନୋମିନିକୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ଦେଇପାରିବେ ବା ଜଣକୁ ଏକା ସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଇପାରିବେ। ତାପରେ ଆପଣମାନେ ସେଭ୍ ବଟନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବା ଏଜୁକେସନ୍। ଏଜୁକେସନ୍ରେ ଆପଣ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ଯାହା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଛି, ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ହଉ, ପ୍ରଫେସନାଲ୍ ହଉ ବା ପୋଷ୍ଟ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍, ତ ସେଗୁଡ଼ିକ ଏଠି ଦେଖାଯିବ। ଯଦି ଏଥିରେ କୌଣସି ଭୁଲ ଅଛି ଆପଣମାନେ ଏଠାରେ ଏଡିଟ୍ ବଟନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି କରିପାରିବେ। ଯଦି ନାହିଁ ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଏଠାରେ ଆଡ୍ ନ୍ୟୁ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ନୂଆ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ କ'ଣ ଯଦି ପରେ କରିଛନ୍ତି ତାକୁ ଆଡ୍ କରିପାରିବେ। ତାପରେ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ପୋଷ୍ଟିଂ ଡିଟେଲ୍ସ। ଆପଣଙ୍କର ପୋଷ୍ଟିଂ ଡିଟେଲ୍ସ ଏଠି ଦେଖାଯିବ। ଏଠାରେ ଆପଣମାନେ କୌଣସି ଏଡିଟ୍ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ଏଇଟା କେବଳ ଆପଣଙ୍କର ଅଫିସିଆଲି ଏଡିଟିଂ ହେବ। ଲାଷ୍ଟକୁ ରହିଛି ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ଆକ୍ନଲେଜମେଣ୍ଟ। ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ଆକ୍ନଲେଜମେଣ୍ଟ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲେ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରୋଫାଇଲ୍। ଏହାକୁ ଲାଷ୍ଟରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଏହା କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଆପଣ ଆଉ କୌଣସି ଏଡିଟ୍ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କର ଟୋଟାଲ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଏଠି ଦେଖାଯିବ, ତାକୁ ସେଭ୍ କରିଦେବେ। ଏହା ରହିଛି ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ଅପଡ଼େଟ୍ କରିବାର ପ୍ରୋସେସ୍। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହି ପ୍ରୋଫାଇଲ୍କୁ ଅପଡ଼େଟ୍ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସମସ୍ତ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଏବଂ ଆଇଡ଼ିସ୍ ତା ସହିତ ଫଟୋଗ୍ରାଫ୍ ସବୁ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତାହେଲେ ଏଇଟାକୁ ଅପଡ଼େଟ୍ କରିବେ। ପାସ୍ଫଟୋ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ନୋମିନି ଡିଟେଲ୍ସ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ଇନଫର୍ମେସନ୍। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହା ରହିଛି HRMS ପୋର୍ଟାଲ୍ରେ କିପରି ଅପଡ଼େଟ୍ କରିବା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରୋଫାଇଲ୍କୁ। ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି କମେଣ୍ଟସ୍ ରହିଛି କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ ଜଣାନ୍ତୁ। କୌଣସି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଛି ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଆମକୁ ଜଣାଇଲେ ଆମେ ତାର ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ।